तो हेलो दोस्तों, फिर हम आ चुके हैं नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप कैसे जो मेरे पुराने वर्ल्ड आपको दे रखे, पुराने वर्ल्ड नहीं, जो पिछली वीडियो में दे रखे थे, उनको कैसे अपलोड करना है अपने फेलिक्स नोट की वेबसाइट पे। तो वैसे कुछ बंदों को नहीं पता तो इसलिए बता रहा था, कुछ बंदों को पता है वैसे जो कि मैंने बता रखा है। और एक और चीज़, मैं अपने चैनल की ज्वाइन बटन ऑन कर लिया है, मैं सोच रहा था तो मैंने कर लिया अब। तो अगर जिसको भी ज्वाइन करना है तो कर सकते हो, और आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करोगे तो दो प्लान मिलेंगे, तो जाके चेकआउट कर लेना। और चलो फिर चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और इंट्रो लगाता हूँ, चलिए। ये मैं आ चुका हूँ फेलिक्स नोट की वेबसाइट पे, और ये मेरा सर्वर है, तो इस पर क्लिक कर लेता हूँ। और ये आईपी है, अगर किसी को नहीं पता तो ये मेरी आईपी होती है ये रही, और ये मेरे जो भी स्पेस है, तो अभी वो। और स्टार्ट पे क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, ये कंसोल है, इधर से स्टार्ट कर सकते हैं। और ये है फाइल मैनेजर, फाइल में जाके आप देख सकते हैं। मैं प्लगइन में दिखा देता हूँ, प्लगइन में आपको वैसे ये डाल लेना, बस इसकी ज़रूरत नहीं है, पर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि दो सर्वर एक साथ डाल के आपको दिखाऊंगा कैसे डाल सकते हैं। और एक ही डालना है तो वो भी दिखा दूंगा। और वर्ल्ड के अंदर देख सकते हो, बस मेरा अभी एक ही वर्ल्ड है। अपलोड पर क्लिक करके मैं जल्दी से वर्ल्ड अपलोड कर लेता हूँ, जो भी मेरा वेटिंग का उसमें था। और डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये जिप फाइल है, जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, जो ये कर देना, एक्सट्रैक्ट हो गया। एक्सट्रैक्ट होने के बाद जीरा और ये फोल्डर मिलेगा वेटिंग करके। आपको क्या करना है, इसका नाम चेंज करके दिखा देता हूँ क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इसलिए पहले इसका कर देता हूँ न्यू वर्ल्ड, क्योंकि उससे अलग से दिखेगा वो वेटिंग, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए बदल दिया। तो ये आ चुके हैं। अब देखो, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ सके कि अगर डिलीट कर देंगे तो होता नहीं है, कुछ बंदे डिलीट करके देखते हैं तो होता नहीं है। मैं आपको भी दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। तो अगर डिलीट करेंगे, अगर मैं सर्वर को स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट करने से जो स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्ट तो हो जाएगा जल्दी जल्दी। तो मैं आ चुका हूँ फिर से अपने वर्ल्ड के अंदर, तो वेट करना, लोड हो रहा है। ऊपर देखो, लोड होने की वजह वर्ल्ड अपने आप ही क्रिएट रहता है। ये क्रिएट इसलिए होता है कि मैं बताता हूँ, क्रिएट होने की वजह दो चीज़ें होती है और मेरे वर्ल्ड में भी ये दो चीज़ें। आपको क्या करना है, आपको सर्वर प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाना होता है क्योंकि उधर ही लिखी होती है सारी चीज़। अगर जाओगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी, दो मैंने हाईलाइट कर दिया। देखो, वर्ल्ड नेम, लेवल नेम होता है, लेवल मतलब वर्ल्ड का नाम होता है, तो वो कर देना। और वर्ल्ड का नाम और फोल्डर का नाम एक ही रख देना, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो मैं बता देता हूँ क्या करना होता है। पहले तो मैं इसको डिलीट करना है, उस डिलीट करने से पहले किधर है किधर है, हाँ ये आपको दिखाना था, ये रख लेना क्योंकि दो वर्ल्ड अभी रखे हैं मैंने और आपको दिखाना चाहता हूँ सर्वर के अंदर। पहले सर्वर के अंदर आ जाता हूँ मैं, तो अभी दो वर्ल्ड हैं, दो वर्ल्ड को आपको लोड करके दिखाता हूँ कि कोई आपको वो नहीं लगे। तो आप दिखा चाहूँ, ये तो मेरा नॉर्मल वर्ल्ड है जो अपने अभी जनरेट होता है, ठीक है। आप इसकी वो भी चेंज कर सकते हो सीट, आप मैं कमांड डाल देता हूँ। कमांड मैं बता रहा था, जो मैंने प्लगइन डाली थी उसका कमांड ये होता है MW और मैनेज डाल दो। तो ये थोड़ा गलत हो गया, इधर से अपने आप ही आ गया, मैनेज डाल दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो, इधर आप सारी चीज़ मिल जाएगी। अब मेरे को क्या है, लोड कर लेता हूँ सर्वर को। तो न्यू वर्ल्ड जो नाम डाल रखा था, फोल्डर का नाम होता है ये, तो डाल दिया। लोड होने की वजह आ चुका है, वर्ल्ड लोड हो गया। तो वर्ल्ड लोड होने के बाद अब फिर से इस पर क्लिक करूँगा। अब मैं टीपी हो सकता हूँ उस पर, वैसे लोड पहली हो जाता है, कभी कभी ग्लिच होता है, मैं पहले से करके रख लेता हूँ। तो मैं टीपी हो गया ये वर्ल्ड में, थोड़ा लोड हो रहा है, तो लोड तो हो गया था, चलो जी आ गया। तो ये मेरा वही वर्ल्ड है जो मेरे प्राइम वीडियो में दे रखा था, मैं इसको अपलोड करना दिखा रहा था आपको, तो ये हो गया। अगर उसको डिफ़ॉल्ट वर्ल्ड में कैसे सेट करना है ये भी बता देता हूँ आपको। जैसे जब सेट हो गया, अब तो अगर सेट हो गया तो अच्छा लगा होगा, मेरे वीडियो को भी लाइक कर देना। और देखो, ये हो गया। अगर इधर स्पॉन पॉइंट्स करना है इधर कर लेना, मैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, वही कमांड डाल दूँ फिर से। और एक और चीज़ दिखाने वाला था, अपडेट अगर करना है तो इधर पहले से अपडेट करके रख लो, कोई दिक्कत नहीं, इधर से कर सकते हो, इसलिए मैंने ये प्लगइन बताई थी। क्योंकि वर्ल्ड का अगर अपडेट करना होता है तो कमांड से क्या, इधर से कर लेना। तो ये सारी सिंपल सी चीज़ से कर सकते हैं, एक बटन मिलते हैं और कर लो। और एक और चीज़, अगर इस पर फिर से जाओगे तो आपको ये मिलेगी, क्या है, एक और कमांड मिलेगा, ये शो वर्ल्ड इंफॉर्मेशन, ये इन्फो करके इस पर क्लिक करो। अगर इस पर क्लिक करो, एक अच्छी दिखाने वाला था, अगर न्यू वर्ल्ड या वर्ल्ड का देख सकते हो, तो मैं अभी दिखाता हूँ न्यू वर्ल्ड का। तो देख सकते हो वेटिंग इसका वो है, लेवल नेम तो ये है, दिखा देता हूँ। एक वेटिंग इसका है और उसका पुराने वाले का वर्ल्ड है, अब ये वेटिंग डाल रखा है और इसका फोल्डर का नेम है न्यू वर्ल्ड, देख सकते हो। तो लेवल का मतलब होता है ये जो वर्ल्ड के अंदर नाम है, और फोल्डर तो मैं बता दिया था, फोल्डर जो बाहर मैंने चेंज करके दिखाया था, इसलिए चेंज करके आपको दिखाया था। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको चेंज करके तो दिखाई दिया, आपको क्या करना है, मैं इधर आना है, पहले दिखा देता हूँ क्या क्या करना है। और सर्वर प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाना है आपको। सर्वर प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाने के बाद, जो मैंने वर्ल्ड का नाम बताया था, वर्ल्ड का नाम जो लेवल में होता है
वो इसको डाल देना है। जैसे मैंने आपको चेक करके बताया, ऐसे चेक कर लेना, और चेक करने के बाद आपको इधर डालने के बाद सेव कर देना। सेव करने के बाद इधर आ जाना अपने वर्ल्ड में, तो अपने वर्ल्ड मेन वर्ल्ड को डिलीट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। और ना, और जो न्यू वर्ल्ड है ना उसका नाम चेंज करके वही रख देना जो वर्ल्ड का नेम है, जो ऑफिशियल जो नाम था उसको कर देना, क्योंकि मैं तो आपको समझाने के लिए कर देता, इसलिए न्यू वर्ल्ड। जो वेटिंग कर दिया है, वेटिंग करने के बाद जो फाइल आपकी मर्जी से डिलीट करना है कि नहीं, अब सर्वर तो स्टार्ट है ही, पर रिस्टार्ट कर दूंगा जिससे कि जो फाइलें फिर से रिक्रिएट होंगी मैं देखूंगी, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अब मैं फाइल मैनेजर में जाके और आपको एक जो भी मेरा मैप दे रखा है, देखो अब जे फिर से क्रिएट नहीं हुआ क्योंकि मैंने उधर लेवल चेंज कर दिया है सब प्रॉपर्टीज़ में जाके, तो ये हो चुका है। और देखो सब चीज़ें आप समझ सकते हो, इसके अंदर फाइल वही है जो कि वेटिंग में है। अगर आपको बस अब क्या करना है आपको दिखा देता हूँ, सर्वर में अंदर जाके तो ज्वाइन हो जाता हूँ सर्वर के अंदर, और जल्दी से ज्वाइन हो जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी क्योंकि वीडियो मैंने थोड़ी काट दी है आपको जल्दी दिखाने के लिए, दे हो सकता हो गया मैं। और ये हो रहा है ग्लिच क्योंकि मैं स्पॉन हुआ था उधर दोबारा, भाई फिर से रुको रुको मैं उड़ के जा रहा हूँ, तो और कोई नहीं, ये आ चुका हूँ। देखो वर्ल्ड तो वही है और कुछ नहीं है, और उसमें ये भी दिखा दूँगा कितने वर्ल्ड हैं। पहले बाहर आऊँ मैं, अंदर घुस पड़ा हूँ, उसमें स्पॉन हो गया था, वो तो ग्लिच होता रहता है माइनक्राफ्ट के। चलो मैं आ गया, और आपको क्या करना है इधर या कहीं भी स्पॉन पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो। पहले आपको कमांड करके दिखा देता हूँ कितने वर्ल्ड डले हुए हैं अभी इसमें, तो कमांड करके इधर से देख सकते हो, लोड कर सकते हो, टीपी कर सकते हो। टीपी करके दिखाता हूँ किस किस वर्ल्ड में टीपी हो सकते हो, क्योंकि अभी एक ही है, टीपी होंगे तो इधर हो रहा था, इसलिए ग्लिच हो गया था। तो आपको क्या करना है, अगर ऊपर आ जाना, पहले ऊपर निकलूँ इधर से, तो ऊपर निकल गया। आपको क्या करना है इधर से और स्लैश करके इधर अपने आप ही कमांड दे रखा है, तो ये बस वर्ल्ड स्पॉन पॉइंट सेट कर देना, अपने आप ही हो गया काम खत्म, और कुछ नहीं है। चलो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, देख सकते हो क्या क्या करना है, और टीपी कर लेना और लोड कर लेना जो भी बता देता, टीपी करोगे तो आप इधर ही आ जाओगे। चलो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।